नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। स्मार्ट सिटी के तहत करनाल शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दोपहिया व भारी वाहनों की एंट्री पर आज यानी 1 अप्रैल से रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अब बाजार में आने के लिए दुकानदारों, व्यापारियों व ग्राहकों को अपने वाहनों को पार्किंग में रखना होगा। इसके लिए पहले चरण में पुरानी सब्जी मंडी व पुराने नगर निगम कार्यालय के स्थल पर पार्किंग स्थापित की गई है और इनका ठेका भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव व पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने स्मार्ट सिटी की टीम के तहत करनाल शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सिविल अस्पताल चौक से पुरानी सब्जी मंडी, कुंजपुरा रोड, घंटाघर चौक, करण गेट पर पैदल चलकर जाने की व्यवस्था की है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे और शहर की आवाजाही में आम जनता को दिक्कत भी ना हो, इसी के मद्देनजर पार्किंग से बाजार तक ग्राहकों व दुकानदारों को निशुल्क ई रिक्शा की सुविधा दी गई है। सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक गुड़मंडी, दुपट्टा मार्केट, कुंजपुरा रोड, जरनैली कोठी, दयालपुरा गेट, सराफा बाजार के क्षेत्र में बैरिकेडिंग की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे सुबह 10 बजे से पहले पहले अपनी दुकानों पर सामान पहुंचा दें। इसके बाद भारी वाहनों की इस क्षेत्र में एंट्री बंद है। पार्किंग साइट पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाएगी तथा सीसीटीवी कैमरे और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि ठेकेदार किसी प्रकार की मनमानी ना कर सके। उपायुक्त ने अपने शहर में भ्रमण के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि नो ट्रैफिक जोन लोगों की सुविधा के लिए किया गया है। इससे व्यापारियों व दुकानदारों को भीड़ से निजात मिलेगी, ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी। सुरक्षा की दृष्टि से ग्राहकों के साथ खुले में कोई चैन स्नैचिंग जैसी घटना नहीं कर सकेगा, व्यापारियों की बिक्री बढ़ सकेगी। उपायुक्त ने बताया कि पार्किंग जोन बनाने से सड़कें खुली होंगी, मार्केट में दुकानों के सामने अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब सड़कें खुली होंगी तो दुकानों के सामने सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सारी मार्केट रात को सुंदर दिखाई देगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मार्केट में पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों तथा स्लो म्यूजिक लगाने का भी प्रावधान है। 1 अप्रैल से यानी कल से हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो करनाल के सबसे कंजस्टेड मार्केट है, करण गेट मार्केट, उससे शुरुआत करके हमने उसके दोनों छोर पे पार्किंग दी है। एक तरफ ओल्ड MC की बिल्डिंग पार्किंग है जिसपे हम अभी खड़े हैं, दूसरी तरफ जो हमारी ओल्ड सब्जी मंडी है उसकी पार्किंग है। इन दोनों का ठेका भी दे दिया गया है, वहाँ पे हम पार्किंग शुरू करने जा रहे हैं। पार्किंग में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक तो वहाँ पे 8 लोगों की ड्यूटी रहेगी शिफ्ट्स में जो पार्किंग की व्यवस्था को मैनेज करेंगे। रात को 2 चौकीदारों की व्यवस्था रहेगी और जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर है वो 4 ई रिक्शा प्रोवाइड करेगा ड्राइवर के सहित जो इस जो नो ट्रैफिक वाला जोन है जिसपे घूमेंगे वो, और उसमें जो लोगों को रुकना है, बैठना है, उतरना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्हीं रिक्शों के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक ये बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। कुछ बैरिकेड्स तो अभी लगाने शुरू कर दिए हैं, आज रात में लेट नाइट तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल सुबह से जो है ये चीज़ एनफोर्स, कल सुबह 10 बजे से एनफोर्स कर दी जाएगी। इसमें हमारा मानना है कि जैसे हमने अभी पूरे इस मार्केट का चक्कर भी लगाया, राउंड भी लगाया, उसमें साथ में दुपट्टा मार्केट, गुड मंडी मार्केट और 2-3 और भी एरियाज पर, दयालपुरा जो गेट है उसके सामने का मार्केट, ये एरिया भी पड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर इस समय इनफैक्ट 6 बजे के आसपास भी काफ़ी सारा रश है लोगों का, 7-8 बजे तक ये रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें लोगों को बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। लॉकडाउन के समय इसको टेम्प्रेरी तौर पर हमने बंद किया था और इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट, एक बड़ा अच्छा प्रभाव देखा था। तो अभी हमें उम्मीद है कि इसमें लोगों का भी बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। जितने भी व्यापारी एसोसिएशन हैं यहाँ की, उन सब से हमने बात कर ली है, उनसे डिस्कशन कर लिया है, वो सब भी इसकी सहमति में हैं। और मेरा मानना है कि इससे आम जनता को, आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। एक बार सड़कें खुली खुली हो जाएंगी बिना ट्रैफिक के, तो उस पर जो अतिक्रमण वगैरह है वो हटाया जाएगा। फिर उसके बाद लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे वहाँ पर वाटर ATMs रखना, टेम्प्रेरी मूवेबल टॉयलेट्स रखना, और इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। बीच बीच में कई सारे कॉम्पिटिशन्स कराए जा सकते हैं लोगों के, जैसे कोई पेंटिंग कंपटीशन करा लें या और, ताकि मार्केट प्लेसेस भी हमारे इस तरह के हों कि लोग जो है रूटीन में उनको विजिट करें, हमारे मार्केट जो है सुंदर बने। ये प्रक्रिया जो है स्मार्ट सिटी के तहत हमने टेकअप की। दूसरा रूप से, विशेष रूप से जो 2-व्हीलर्स की मूवमेंट है उससे जो है वो चोरी का मेन कारण है। काफ़ी सारे जो है सामाजिक तत्व हैं वो 2-व्हीलर्स पर आकर के स्नैचिंग करके या छीनने की या झपटने की चीज़ें करके, एक्टिविटी करके भाग जाते हैं। तो जब 2-व्हीलर्स की एंट्री भी बंद होगी तो निश्चित रूप से एक हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो लगभग मिलाकर के
600-700 मीटर का स्ट्रेच है, वो खरीद जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है जो अपनी शॉपिंग करने आते हैं, मार्केट में घूमने आते हैं, उनको एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट बना के दें ताकि वो फ्री माइंड से फुर्सत से घूम सकें, और धीरे धीरे करके इसमें या तो कोई जैसे संगीत स्लो म्यूजिक लगाना हो वो भी लगेंगे, टॉयलेट्स वगैरह का, पीने के पानी की, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि लोगों के लिए एक अच्छा अनुभूति रहे मार्केट में। सर मेन अब टू व्हीलर एरिया रहेगा, इसमें जो है टोटल 5-6 बैरिकेड लगा करके, जो विशेष रूप से हमारा एक तो करंट गेट मार्केट है, एक उसके तहत ही दुपट्टा मार्केट जो आता है, एक हमारा गुड मंडी आ गई, एक उसके बाद दयालपुरा गेट के सामने का मार्केट आ गया, ये सारे मार्केट में अभी बंद होने जा रहा है। 15 अप्रैल के बाद यानी 16 अप्रैल से जो कुंजपुरा रोड है, आज मैंने और एसपी साहब ने हमने कुंजपुरा रोड का भी पूरा दौरा किया है, तो जो कुंजपुरा रोड है उसको भी एक तरफ उसके जनरली कोठी पार्किंग बना दी गई है, दूसरी तरफ ओल्ड सब्जी मंडी पार्किंग है, तो उसको भी बैरिकेड लगा के बंद किया जाएगा। उसका भी हमने एसोसिएशन के साथ भी बैठक कर ली है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी बैठक हो गई है, उनको भी वो जो रूट मैप सारा समझा दिया गया है 16 अप्रैल से। उससे लगता है कि लोगों को समझाने की जरूरत, जितने भी रास्ते हैं जिनको नो ट्रैफिक जोन कन्वर्ट कर रहे हैं, इन सबके अल्टरनेटिव रूट सब उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहीं से जो नोवल्टी रोड को रास्ता जाता है, तो जो साइड वाला रास्ता है वो इसके लिए उपलब्ध है, तो हर एक रोड का जो अल्टरनेटिव रूट हमने ये ध्यान में रखते हुए ही ये वर्कआउट किया है ताकि पब्लिक को असुविधा ना हो। और इसका समय 10 बजे से इसलिए रखा गया क्योंकि 10 बजे तक काफ़ी व्यापारी भाइयों की ये मांग थी कि उनका जो परचूनी का सामान है, रूटीन जो सामान है, वो ट्रक्स में या रेडियो में आता है, तो 10 से पहले पहले वो सामान आ जाए ताकि 10 बजे जो कस्टमर्स आते हैं लोग मार्केट में उनको असुविधा ना। सर जो दुकानों के बढ़िया किराए पे दे रखी है बाजार में, जो करता अतिक्रमण किया हुआ, उनके लिए क्या क्या? एक बार रोड्स ओपन हो जाएंगे तो अतिक्रमण को भी हम साफ करेंगे और मार्केट्स को ब्यूटीफाई करेंगे, उनका सौंदर्यकरण करेंगे, अगर कोई रोड टूटी है उसको ठीक करेंगे, अगर कहीं लाइट की व्यवस्था कम है तो ऐसी बनाएंगे ताकि रात में भी अच्छी जगमग जो है स्मार्ट लाइटिंग इस पे होती रहे, साथ में लाइट म्यूजिक हो, वाईफाई वगैरह की व्यवस्था भी आगे की जा सकती है, पीने का पानी, टॉयलेट, ये सारी सुविधाएं हम करेंगे। सर मेन देखिए ये है कि सारे इस बार जो प्लानिंग हुई है व्यापारियों से बात बैठ करके उनसे बातचीत करके हुई है। दूसरा हमने 2-3 एग्जाम्पल्स बताए जो आसपास के शहरों में, जो बड़े शहरों में किए गए, और लॉन्ग टर्म में देखा गया कि वहाँ पर लोगों का विजिट है वो बढ़ता है, लोगों के वहाँ आने जाने की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वहाँ का व्यापार बढ़ता है, तो व्यापारियों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होता है। कई सारे ऐसे उदाहरण जो है दिल्ली में या और बड़े शहरों में भी हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ेगा, और ये स्वाभाविक भी है, कॉमन सेंस है कि अगर लोगों को आने जाने वहाँ मार्केट में घूमने में सहूलियत होगी, उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो निश्चित रूप से लोग ज़्यादा आएंगे वहाँ पे। और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ 200 या 300 मीटर से ज़्यादा लोगों को पैदल चलना पड़े, पार्किंग से दूर हो, और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके लिए हमने फ्री ई रिक्शों की व्यवस्था भी की है, अभी 4 ई रिक्शों लगाए गए हैं, जरूरत महसूस हुई तो और इनको ही संख्या बढ़ाई जाए। सर एक अच्छी में हमने इंश्योर करेंगे कि जो हमारी पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पे हमारे करनाल पुलिस की भी ड्यूटीज़ हों, इस मामले में एसपी साहब आज मेरे पूरे विजिट में साथ हैं और हमने पुलिस की ड्यूटीज़ भी इंश्योर कर ली है ताकि इस प्रकार की कोई भी ज़्यादती मनमानी कोई करता है तो फिर सख्ती से। सबसे जरूरी रूप से एक तो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हमें थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि विशेष रूप से ये जो ओल्ड एमसी बिल्डिंग है इसकी एंट्री और एग्जिट एक ही है और बड़ा एक कन्फाइंड सा स्पेस है, तो उसमें अगर गेट पे भी कोई खड़ा होता है तो निश्चित रूप से इंश्योर किया जा सकता है कि चोरी को रोका जा सकता है। फिर भी यहाँ रात को प्रॉपर लाइटिंग हो और कैमरे लगें ये हम जरूर हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।